आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सैलानियों के लिए खुल गई विश्व धरोहर फूलों की घाटी, आज से कर सकते हैं घाटी का दीदार, लेकिन जरा संभल कर क्योंकि रास्तों में अभी भी मौजूद है बर्फ। विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। घाटी के पैदल रास्तों में दो जगह पर भारी हिमखंड मौजूद हैं, लिहाजा पर्यटकों को हिमखंडों के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। करीब 88 वर्ग किलोमीटर में फैली फूलों की घाटी हर साल पर्यटकों के लिए 1 जून को खोल दी जाती है और 31 अक्टूबर को बंद की जाती है। इस दौरान यहां देश विदेश के पर्यटक आकर घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और करीब 600 प्रजाति के फूलों का दीदार कर सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से ब्रह्म कमल, फेन कमल, ब्लू पॉपी, मॉरिशियस, मैरीगोल्ड, गोल्डन रॉड, जैस्मीन, रोवन, हेलमेट फ्लावर, गोल्डन लिली सहित कई फूल खिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव जैसे हिम तेंदुआ, हिमालयन काला भालू, मोनाल, जंगली बिल्ली, कस्तूरी मृग विचरण करते आसानी से देखे जा सकते हैं। फूलों की घाटी में सैर करने वाले पर्यटकों को वन विभाग से सामान्य फीस देकर परमिट लेना होता है, लेकिन यहाँ फूलों को तोड़ना और वनस्पतियों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना सख्त मना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।